केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी वे रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। सरधना के हिमालय हॉस्पिटल में पेट में ही बच्चे की मौत के बाद हुए हंगामे व मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया है। आज बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने SSP ऑफिस पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। भाकियों का कहना है कि मारपीट की घटना में परिजनों के खिलाफ हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जो कि अनुचित है। उन्होंने मुकदमे को खारिज करने की मांग SSP से की है। देखिए, इस बारे में प्रदर्शनकारियों के नेतृत्व ने यह जानकारी दी। इसलिए आप लोग SSP ऑफिस आए हैं, क्या मांगे हैं? SSP ऑफिस हम लोग जो आए हैं, अभी 2 तारीख का प्रकरण है। एक हॉस्पिटल पड़ता है सरधना में, जो हिमालय हॉस्पिटल, वहाँ पर जो एक पेशेंट एडमिट था, गर्भवती महिला थी, तो लापरवाही की वजह से डॉक्टरों की, उसके पेट में ही जो बच्चा मर गया। उसके बाद में जो हमारे जिला अध्यक्ष कुछ आदमियों को लेके वहाँ पे जाते हैं। अब से पहले वो डॉक्टर जो वहाँ पे इलाज कर रही है, वो एक ब्यूटी पार्लर कर रही थी, कहीं से फर्जी डिग्री खरीद कर लाई और उन्होंने हॉस्पिटल जो शुरू कर दिया। तो इनके साथ में जो वहाँ मारपीट करी गई, उसके बाद में जो इन पर 307 का मुकदमा बनवा दिया गया, जबकि उन लोगों का चोट नहीं है, मारपीट हमारे लोगों उसकी साथ में हुई थी। और वहाँ पे एक इंस्पेक्टर है शत्रुघ्न यादव, उनका कहना यह है कि SSP साहब के आदेश पे हमने ये मुकदमा दर्ज करा है। तो हम कप्तान साहब के पास जो इस वजह से आए हैं कि हम उनसे भी तो पूछे, क्या फर्जी मुकदमे के लिए कप्तान साहब आदेश कर रहे हैं कि 307 लगवाने के लिए, और जो सही मुकदमा है उसे दर्ज नहीं करने दे रहे हैं। तो हम जो अपनी बात रखने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।